हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यह आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। आप इसको देखेंगे कि क्या सूचना है। देखिए इसमें क्या है। आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि मानचित्रकार मानचित्रक प्रारूपकार परीक्षा 2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 29 मई 2023 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 23 जून 2023 के क्रम में 5 नवंबर 2023 को आयोजित लिखित परीक्षा का वस्तुनिष्ठ प्रकार के सापेक्ष दिनांक 21/12/2023 को अभिलेख सत्यापन सूची निर्गत की गई है। अभिलेख सत्यापन सूची में क्रम में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किए जाने के लिए अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के साथ अभ्यर्थियों के विभागवार ऑनलाइन वरीयता ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रदान किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञाप प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 2 और 3 जनवरी 2024 को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना है। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम अन्य निर्देशों हेतु कार्यालय ज्ञाप आयोग की वेबसाइट इतने इतने पर जाकर उपलब्ध है। अभ्यर्थीगण कार्यालय ज्ञाप का अवलोकन सुनिश्चित करें। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी जी। सत्यापन होना है जिन जिन का अभ्यर्थियों का सत्यापन होना है इसमें सहायक इसमें हो गया है जिसका भी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका भी इसमें हो गया है उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखें और यदि नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से जारी रखें, क्योंकि ये एक दिन का समय नहीं होता है पेपर देने के लिए, वर्षों की मेहनत रंग लाती है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सफल हो रहे हैं अभ्यर्थी उनके पीछे उनकी 2-3 साल की मेहनत है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल की मेहनत है, इसलिए वह सफल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है 2-3 दिन पढ़कर आप सफल होने के उसमें अपनी लाइन में खड़े हैं। ऐसा बहुत कम चांस होता है कि आपने 2-3 दिन पढ़ाई कर ली हो गया। इसलिए आपको कम से कम अपनी रोज़ की तैयारी कंटिन्यू करके चलनी है। ये और नए अभ्यर्थियों को तो मुख्य रूप से नए अभ्यर्थी सोचते हैं अरे आज हम पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते समय बीत जाता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा अपने रोज़ कंटिन्यू देना है, 2 से 4 घंटे रोज़ देना है, 2 से 4 घंटे। धन्यवाद। जय हिंद।